18% अगेन। ओके ओके ओके, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया आ गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो के ऊपर हम लोग फिर से खेल रहे हैं पैलॉल, या बोल सकते हो मिराई गो गेम को। और इस गेम के ऊपर भी हम लोग बहुत सारा न्यू पोकेमॉन्स को कैप्चर करने वाले, जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग का आज का वीडियो होगा। तो वीडियो पे बने रहो, काफ़ी मज़ेदार और ख़तरनाक लेवल का वीडियो होगा गाइस। ओके, और यहाँ पे कौन सा एक बना दिया है भाई ने, अच्छा इन लोगों ने एक आइस एग भी बना दिया भाई, क्या बात है क्या बात है ब्रो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेरा सेकंड बेस के तरफ जाता हूँ। मेरा सेकंड बेस जो है गाइस वो है एक बर्फ इलाका में, इधर है, बर्फीला इलाका बोल सकते हो आप लोग, इधर को है। मेरा पोकेमॉन्स को मार दिया, फास्ट ट्रेवल करो और इधर से निकलो भाई, फास्ट ट्रेवल करो और इधर से निकलो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा हाई लेवल पोकेमॉन मिल रहा है। तो चलिए आज मैं ज़्यादा देर ना करते हुए कुछ पोकेमॉन्स को कैप्चर करने जाता हूँ। मैं कौन से जगह पे आ गया, तो इसको मैं कैप्चर करके आता हूँ, 29 लेवल्स का है, तो देखते मिलेगा तो कैप्चर करूँगा भाई इनको। अरे यार मेरा पोकेमॉन्स ही मार दिया एक, बाय 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 भाई भाई, मेरा पोकेमॉन्स ही मार दिया उसने। तो यहाँ पे सीधा मेरे को कैंप पे जाना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा, मेरा न्यू पोकेमॉन्स को लेके आना पड़ेगा, कुछ अलग टाइप का पोकेमॉन्स को लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, नहीं सॉरी इधर नहीं, इधर को आके मेरे को ये आइस 13 लेवल का आइस का पोकेमॉन है। ओके ओके ओके, ओके 31 लेवल का मेरा हॉर्स जो है इसको ले लेता हूँ, चलो ओके लेट्स गो। अभी फास्ट ट्रेवल करूँगा मैं, अभी जाने वाला हूँ, मेरा हाई लेवल्स पोकेमॉन्स कैप्चर करूँगा। इससे चालू करता हूँ, ठीक है 32 लेवल्स का पोकेमॉन है तो मैं इससे चालू करता हूँ सबसे पहले गाइस, ठीक है लेट्स गो। अभी आ जाओ यार, किसको मैंने छोड़ा है, आ जाओ। ये सामने को है, इस तरफ नहीं, इस तरफ है वो, देखो मुझे दिखने मिल गया ये सामने, ये कंफर्म यही पोकेमॉन है। और ये बॉस यहाँ पे मुझे ऑलरेडी दिखने मिल चुका है, तो लेट्स गो। यहाँ से मैं सीधा सलाम कर दिया, मतलब जाम कर दिया ब्रो, जाम मैंने इधर से कर दिया और ये मेरे सामने आ चुका है एक पोकेमॉन बॉस। अभी मैं इस बॉस को पकड़ूंगा आपके सामने गाइस। अरे ये लोग भी आ गया क्या इधर, ये देखो यहाँ पे कुछ प्लेयर आया, यहाँ पे ये कुछ पोकेमॉन पकड़ने के लिए कुछ प्लेयर आया। इस बॉस को कैप्चर करने ये लोग आया है भाई, देख पा रहे हो क्या सीन है। रुको मैं यहाँ पे कमेंट कर दे, चैट कर देता हूँ इन लोगों को। इन लोगों को मैं चैट कर देता हूँ ब्रो, क्योंकि ये लोग डिस्टर्ब करेगा मेरे को। तो ये लोग फाइट कर रहे हैं तो मेरे को भी करना दो। हाँ।
इसके सामने फायर टाइप यूज होता है ब्रो। इसे ग्राउंड टाइप पोकेमोन है ना, इसका फायर टाइप यूज करूंगा तो जल्दी खत्म होएगा ये। देखो फायर टाइप यूज कर रहा हूँ, देखो भाई कितना जल्दी खत्म हो रहा है, देख रहे हो। थोड़ा सा और काम करूंगा और पीछे से मैं बॉल यूज करूंगा। ओए मेरा पोकेमोन मार दिया, मैंने फॉलो भी नहीं किया, मेरा पोकेमोन को उड़ा दिया इसने। पता है मुझे नहीं आ रहा है, इतना जल्दी तो नहीं आएगा भाई। सेवन, अबे फिर से नहीं आ रहा। ओए ये लोग पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं अब। ब्रो व्हाट द हैक ब्रो, 16% भाई काम करो भाई तुम लोग। अठारह परसेंट आ जा भाई, अबे यार ये लोग तो पकड़ने का बहुत कोशिश कर रहे हैं यार भाई। 17-18% आ जा यार, आ जा भाई यार, दिमाग खराब कर रहा है। अठारह परसेंट अगेन, ओके ओके ओके, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया ब्रो आ गया। आ गया ब्रो आ गया आ गया, वाह यार। भाई मैं उसको मारने आया था भाई, और साथ में वो लोग भी, मैं देख रहा हूँ भाई वो लोग भी यहाँ पे रुक गया, तो भाई मैंने पकड़ लिया उसको तो भाई जैसे भी। बट मेरा बॉल वेस्ट ही है, 7-7 बॉल गया, 8 बॉल गया मेरा, टोटल 8 बॉल्स गया ब्रो मेरा।
मेरा टोटल 8 बॉल्स गया, बट मैंने कैप्चर तो कर लिया ना। सबसे इम्पोर्टेंट कैप्चर करना होता है ब्रो, वो मैंने कर लिया ब्रो। मैं हैप्पी, खुश हूँ। अभी मैं काम करता हूँ, मैंने इसको भी तो कैप्चर कर लिया। अभी मैं इसके पास जाऊँ क्या? ये नहीं, ये तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा मेरे लिए। ये 29 लेवल्स का है, तो इसके पास जाता हूँ, इसको कैप्चर करके आ जाता हूँ। लेट्स गो, चलो देखता हूँ ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेट्स गो, 29 लेवल्स का पोकेमोन है गाइस। लेट्स गो, देखते गाइस मिलेगा तो बढ़िया बात है। फाइट करना तो बनता है ना। ये बॉस है क्या? यही है बॉस लग तो रहा है ब्रो। बॉस है गाइस, बॉस है। लेट्स गो, इस बॉस के साथ अभी फाइट करूंगा, ठीक है? ये देख लो गाइस, ये वाला बॉस है यहाँ पे, ये रहा बॉस। कैसा लग रहा है आप लोग बताओ कमेंट करके। कमेंट करके बताना ये बॉस कैसा लग रहा है आपको। तो चलो इस बॉस के साथ फाइट करता हूँ अभी। ओके, उतर जाता हूँ पहले इसके साथ। मैं फ्लाइंग टाइप बॉस को, फ्लाइंग टाइप को कमांड्स के फाइट कराऊँ क्या? इजी ह्यूज डैमेज, ह्यूज डैमेज, बहुत अच्छा डैमेज दे रहा है ब्रो इसको। बहुत प्यारा डैमेज दे। इसे वाटर फाइट, वाटर 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 फाइट। ये क्या था? अब मैं फ्लाइंग टाइप यूज करूंगा। नाइस, आजा 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 आजा, बच के बच के, ऑटर्स से बच के। तो मैं एक बड़ा बड़ा पोकेमोन को देता हूँ इसके सामने, देखता हूँ ये कितना टाइम टिक सकता है इसके सामने। ओए ओए, पॉइजन 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 यूज किया इसने मेरे को, मेरे ऊपर पॉइजन यूज किया। निकलो निकलो निकलो। अबे नहीं, अबे नहीं, भाई मैं बंदूक लेके आता हूँ अब। ओए, स्किन घूम रहा है भाई, ये किधर है, कहाँ है, दिख नहीं रहा। ओ दिख गया दिख गया दिख गया। ओके 93, 90, 100 भाई साहब खतरनाक यार। न्यू पोकेमोन साथ में 33 लेवल गाइस, साथ में 33 लेवल एंड न्यू पोकेमोन।
भाई दो दो न्यू पोकेमोन कैप्चर किया मैंने अभी इसको एंड यहाँ पे कोई था और एक, मैंने अभी अभी दो दो न्यू पोकेमोन कैप्चर कर लिया गाइस, और मेरा लेवल 33 हो चुका है। भाई देखो गेम का ग्लिच देखो फिर से चालू हो गया ब्रो। क्या ग्लिच चल रहा है? ये गेम का ग्लिच नहीं है, सर्वर का ग्लिच है ब्रो। ये जो सर्वर पे हो ना इसका पिंग हाई चल रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये यहाँ पे कोई तो फाइट कर रहा है, ये कौन है? ये कौन है? भाई इसको पकड़ना दो भाई, ये फाइट कर रहा है भाई, छोड़ो यार इसको। मैं जाता हूँ अपना कैंप पे और आपको मैं दो दो पोकेमोन दिखाता हूँ। दो दो मैंने पोकेमोन कैप्चर किया। ओए ओए ओए, ये क्या था? What the heck, मैंने तो डर गया था ब्रो। ब्रो ये क्या था ब्रो? रुको यहाँ पे मैं ब्रीडिंग करवा देता हूँ फिर से प्लेयर्स को। इस बार इसको दूंगा और साथ में दूंगा इसको, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक टाइप एक पोकेमोन आने वाला है तो लेते इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन यूज करवाते। अच्छा काम लगो, काम पे लगो, काम पे लगो, काम पे। ये छोटा छोटा एग आ रहा है सब, इसे ह्यूज एग आएगा तभी ना मजा आएगा ब्रो। लेट्स गो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ दो दो पोकेमोन मैंने जो कैप्चर किया न्यू, बिल्कुल ही न्यू, उन लोगों को दिखाऊंगा मैं। ठीक है ठीक है। सबसे पहला एक नंबर पोकेमोन ये रहा और दूसरा पोकेमोन ये रहा, देख लो गाइस। ओके इज ए ह्यूज पोकेमोन, इसका एबिलिटी मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। ये देखो इज ए ह्यूज पोकेमोन, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पोकेमोन है। ये देखो बहुत ही ज़्यादा कमाल का पोकेमोन है और ह्यूज, बिग ह्यूज ब्रो, बिग ह्यूज पोकेमोन। ठीक है ये रहा एक, और मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। ये रहा दूसरा, ये रहा दूसरा, और इसको भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो जल जल कितना पैरा है ब्रो, कितना पैरा है ब्रो, बहुत पैरा है ब्रो और ह्यूज भी है, बहुत पैरा है दिख रहा है और ह्यूज भी है गाइस ये। और इन दोनों का जो एबिलिटी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इन दोनों का जो पावर है वो क्या है, और इस इन दोनों का काम का जो चीज़ बारे में बताते हैं, तो इन दोनों का काम भी बताते थे क्या क्या काम करता है, कौन सा पावर है। तो यहाँ पे देखो ये ग्रास टाइप का है, तो ये पौधा वगैरह लगाता है। देखो पौधा वगैरह लगाता है, दो टाइप का पौधा लगाता है, जो परसेंटेज भी अच्छा है, 22 पे है। ठीक है, और यहाँ पे 29 लेवल का जो पोकेमोन है, और इस ये भी पौधा लगाता है 1%। इसका एबिलिटी थोड़ा कम है, इससे ज़्यादा इसको इसका ज़्यादा है ब्रो थोड़ा, तो इसका बढ़िया पावर एबिलिटी है। और यहाँ पे देखो इसका ये वाला आया और इसका ये वाला। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो पौधा के लिए, जो काफ़ी अच्छा बात है ग्रास टाइप पोकेमोन से। और इसका सैंडल भी आप बना सकते हो, ठीक है सैंडल यूज़ कर सकते हो। यस इसका सैंडल आप यूज़ कर सकते हो, और इसका भी सैंडल आई थिंक होता है। हाँ इसका भी सैंडल होता है और इसका भी सैंडल होता है, तो दोनों टाइप का सैंडल होता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा पोकेमोन से। तो अभी मैं कुछ सैंडल बनाने वाला हूँ कुछ पोकेमोन्स का, जैसे कि मैं उड़ने वाला पोकेमोन्स का मेरा सैंडल बनाने वाला हूँ। मेरा फ्लाइंग टाइप उड़ने वाला जो पोकेमोन है, ये पंछी, रुको मैं दिखाता हूँ। ओके ये वाला पंछी का मैं सैंडल बनाने वाला हूँ। तो इसका सैंडल के लिए मुझे कुछ वो चाहिए जो मैं कलेक्ट करके आता हूँ पहले। ओके जो मुझे मिलेगा कहाँ पर, इस तरफ जाता हूँ, इस तरफ घूमूंगा तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ओए यहाँ पे भी एक बॉस है ब्रो, यहाँ पे भी एक बॉस है, यहाँ पे भी एक बॉस दिख रहा है मुझे, तो इसको भी पहले मार देता हूँ। आया जा आया तो हूँ भाई, तो ले लेता हूँ भाई, किस बात की दिक्कत है भाई। हाँ।
और बॉस पकड़ना इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि भाई बॉस को मारोगे तभी तुम्हारा लेवल ज़्यादा जल्दी बढ़ता है, ठीक है। ओह नाइस, मैं सोच रहा हूँ इसका पावरफुल बनाऊंगा तब ये कितना पावरफुल हो जाएगा। इसको मैं जब पावरफुल बनाऊंगा ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तब। अभी भाई इतना पावरफुल है, अभी इसको मैंने कुछ नहीं कराया भाई, जब इसका पावर बढ़ाऊंगा तो इसका क्या हाल होगा। अबे यार स्किन बहुत ज़्यादा घूमता है ब्रो, कभी 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 स्किन बहुत ज़्यादा घूम जाता है। ओके 28%, ओके 60% एंड 99 100%। ओहो फिर से एक बॉस, फिर से मैंने एक बॉस को कैप्चर कर लिया ब्रो। आ जाओ अभी मुझे सैंडल बनाना है, तो सैंडल के लिए मैं थोड़ा आगे जाऊंगा क्योंकि मुझे वो चाहिए सैंडल के लिए, जो मैं आपको दिखाता हूँ क्या चाहिए। मेरे पास 50 ऑन्स बॉल्स, मेरे पास बॉल कम था ना, बढ़ कैसे गया। हाँ मेरे पास बॉल कम था, 50 ऑन कैसे बॉल आया, बॉल इधर से मिला क्या, इस बॉक्स से मिल रहा है क्या बॉल्स, पता नहीं ब्रो बॉक्स से भी दे रहा है लग रहा है। हाँ मुझे लग रहा है बॉल से बॉक्स से भी मिल रहा है अभी। नहीं 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 मैंने घर के अंदर कलेक्ट किया, कुछ तो सीन है ब्रो, मैंने घर के अंदर जाके कलेक्ट किया मुझे लग रहा है, कुछ तो करा है मैंने, नहीं तो बॉल कैसे बढ़ेगा, मैंने उधर से कलेक्ट करा होगा। हाँ मुझे मारना है इसको, इन लोगों को, ठीक है इन लोगों को मारूंगा तो मैं सैंडल बना पाऊंगा, इसको मारना है मुझे। चलो ओए क्या प्लेयर भाई, आवाज भी क्या कर रहा है यार, तो मेरे सामने ये और एक दिख गया। सॉरी दोस्त, तुम लोगों को मारूंगा तभी मेरा सैंडल बन पाएगा। ओके यहाँ पे और एक है तो इसको भी ले लेते हैं। ओके लेट्स गो, लेट्स गो लेट्स गो। और यहाँ पे देखो मैं मैप के ऊपर लोकेशन करवा देता हूँ पहले, यहाँ पे फ्री का पोकेमॉन्स मिलता है। ओके लोकेशन करवा देता हूँ पहले, लेट्स गो। यहाँ पे फ्री का पोकेमॉन्स बोलना चाहता हूँ मैं, ये वाला पोकेमॉन्स मिलता है, देखो इन लोगों को क्लियर करवाता हूँ भाई। मर जाएगा ब्रो ये लोग, बेचारा चले। कॉइन्स देता है इन लोगों को मारने से, कॉइन्स दे रहा है मुझे। Oh.
भी मिला मुझे। चलो फिर से मुझे कॉइन मिला। भाई इन लोगों को छोड़ो यार, बहुत टाइम लगेगा ये लोग। उससे ज़्यादा मैं इसको छोड़ा देता हूँ। चलो सही है, आजा 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 तू आजा, इधर से निकलता हूँ यार, बेकार निकलो यार, कुछ नहीं कर पाएगा। ओके लेट्स गो, इधर से मैं इसको अनलॉक करना पड़ेगा सबसे पहले मुझे। अनलॉक कर दिया मैंने फास्ट ट्रैवलिंग एंड मैं जाता हूँ अपना बेस पे, और मुझे लग रहा है अब सैंडल बन जाएगा। भाई सैंडल बना लिया ना तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया था भाई मेरे को सैंडल बनाना है। बट यहाँ पे चल क्या रहा है? अच्छा आर लोडिंग ले रहा है, लोडिंग ले रहा है। ओके आ गया, चलो अब मैं सैंडल बना रहा हूँ गाइस। हमारा न्यू पोकेमॉन के लिए, फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स के लिए मैं सैंडल बना रहा हूँ, लेट्स गो। अभी मैं उड़ूंगा आसमान के ऊपर, पोकेमॉन के ऊपर बैठ के चलूंगा इधर उधर, ठीक है, मज़ा आएगा ब्रो। लेट्स गो लेट्स गो, बनने दो इसको सैंडल, बनने दो थोड़ा। ओह भाई मैंने आज बहुत सारा पोकेमॉन बॉस पकड़ा, मैंने कितना बॉस पकड़ा, 3 बॉस कैप्चर किया मैंने। और इधर देखो भाई, 2 अंडा बन चुका है, इधर सामने देखो 2 एक हो चुका है ऑलरेडी। मैं वहाँ पे बहुत सारा एक बनाऊंगा, बहुत सारा एक को ब्लीडिंग करवाता हूँ, ठीक है। और एक ऐसा वीडियो में मैं लेके आऊँगा जिसके अंदर सभी एक को हैच करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो मेरा ऑलरेडी एक मैंने इनक्यूलेटर में डाल दिया है, तो ऑलरेडी सब रुक रेडी हो रहा है। मैं एक का एक साइड बनाऊँगा, मतलब एक इनक्यूलेटर वाला जो है एक साइड पर सभी के सभी रखूँगा, लगभग 10-20-15 रहेगा, लगातार सबको डालूँगा और एक साथ सभी एक को हैच करूँगा, मज़ा आएगा भाई। कुछ अलग प्रोग्राम बनाता हूँ इसके लिए, मैं अलग वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सा बॉस को कैप्चर करूँ बताना, हाई लेवल बॉस को कैप्चर करने जाऊँ या नहीं जाऊँ ये भी बताना, ठीक है। क्योंकि मेरा लेवल 33 हो चुका है, तो मैं अभी जा सकता हूँ मुझे लग रहा है हाई लेवल बॉस को कैप्चर करने। देखो भाई यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो ये वाला पोकेमॉन है, ये वाला पोकेमॉन का सैंडल बन के रेडी हो चुका है, ये देखो, देख पा रहे हो, मज़ा आ रहा है, ये देखो मज़ा आ रहा है, बताओ मज़ा आ रहा है, आ रहा है ना मज़ा। देखो भाई कितना दूर तक ये चढ़ सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेमिना किधर है? इसका स्टेमिना नहीं है क्या? मेरे को स्टेमिना नहीं दिखने मिल रहा है। ओए 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 ओए, मेरे को भूख लग गया। हाँ ख़त्म कर दिया मैंने सब। देखो भाई पैलॉल्ड का जो सिटी है आप लोगों को इस तरफ दिखने मिलेगा, ऐसा ऐसा दिखता है, देख पा रहे हो कैसे उड़ रहा है पंछी, देख पा रहे हो, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना पंछी के साथ, कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ब्रो। तो बताओ आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे न्यू वीडियो देखने के लिए, और भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का वीडियो देखने के लिए। और हम लोग मिलते हैं और एक न्यू अनदर वीडियो में, तो सभी को बाय बाय गाइस, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, टिल देन बाय बाय गाइस, बाय बाय।